हेलो फ्रेंड, मैं राशि। आज मैं बना रही हूँ, जो कि सर्दियों का मौसम आ गया है, आंवले आ गए हैं फ्रेंड, तो हम बना रहे हैं आंवले की लौंजी। तो जिसके लिए मैंने इसमें 5-6 आंवले लिए हैं, बिल्कुल साफ वाले लिए हैं, बड़े बड़े। तो आप इन आंवलों को क्या करना है हमें, तो इनको फ्रेंड हम कुकर लेंगे और इनको कुकर में इनको बॉईल होने रख देंगे। तो सारे आंवले हम कुकर में डाल के 1 सीटी 2 सीटी में इनको अच्छे से पकाना है, तो हमारी लौंजी बनेगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे आंवले बॉईल हो गए हैं, ये देखिए इतने अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इनकी सारी बीजें निकालना है। और हमने पानी थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है, उसमें हमने डाल दिए ये, क्योंकि ये बहुत गर्म थे। और बस इनके ये बीज निकाल देंगे इस तरीके से सारे आंवलों के। तो फ्रेंड ये देखिए हमने सारे बीज निकाल दिए हैं। अब इनको अब अच्छे से हम मैश कर लेंगे, एक मैसर से इस तरीके से इससे मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने सारे आंवले मैश कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच। तो 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसमें हम कुछ सामान डालेंगे, तो ये सब सामान लिया है मैंने, जो कि हींग है, कलौंजी है, जीरा है और सौंफ है। लौंजी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम जीरा डाल रहे हैं, सौंफ डाल रहे हैं और इसमें थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं चुटकी भर, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब डाल रहे हैं हम थोड़ा सा, 1/2 चम्मच कलौंजी, और इन सबको अच्छे से चटकने देंगे इस तरीके से। और बस इनको अच्छे से चटकने के बाद तेज गैस पे ही बनाना है हमें। इसमें हम जो हमने ये मैश करके रखा है आंवला, उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसको हमें सब चीज़ों में मिक्स करना, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल जैसे हम कच्चे आम की लौंजी बनाते हैं ना, उसी तरीके से, उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगता है इसमें। चलिए अब हम इसमें डालते हैं हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से कम, और नमक स्वाद अनुसार नमक। अब बस इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम गैस को धीमा कर लेंगे फ्रेंड, नहीं तो हमारे सारा मसाला जलने लगेगा। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है 1 मिनट तक, इसको अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो जाए आंवले में, इस तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। और बस हमारा सारा आंवला और मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ इसमें ज़रूरी है डालना, क्योंकि जब भी हमारी लौंजी का खट्टा मीठा स्वाद आएगा, तो जितना हमने आंवला लिया है उतना गुड़ ले लेंगे। तो हम गुड़ डाल देंगे फ्रेंड इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना इसमें, गुड़ से ही इसमें पानी जैसा इसमें गीलापन आ जाएगा, ये देखिए। और गैस को हमें अब धीमा ही रखना है, बस इसको हम अच्छे से 1 मिनट तक पकने देंगे। तो हमने नमक भी डाल दिया इसमें फ्रेंड, अब हम इसको पकने दे रहे हैं और गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका,